रांची से 11 टनल में फंसे मजदूरों को लेकर बचाव अपडेट। 21 मीटर हिस्से में गंदगी हटाई गई है और खुले क्षेत्र में शॉर्ट क्रेटिंग की जा रही है। बचाव एजेंसियों और ठेकेदार के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए प्लेटफॉर्म MS पाइप डालकर बनाया जाएगा। NHIDCL के अनुसार फंसे हुए सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और उनसे संपर्क किया जा रहा है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप साइट पर पहुंचे हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंचा दी गई है। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। वहीं पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से फोन पर वार्ता कर पूरे घटनाक्रम के अपडेट लिए। साथ ही सीएम धामी ने कल मौके पर पहुंचकर दौरा भी किया। आपको बताते चले कि बीते 2 दिन से उत्तरकाशी में 40 मजदूर टनल के मलबे में फंसे हुए हैं, जिनको मलबा हटाकर निकालने का बचाव कार्य NDRF, SDRF सहित स्थानीय प्रशासन करने में लगा हुआ है। साथ ही पूरी घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिल्ली से भारत सरकार के कई अधिकारी उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं, जो घटना की लापरवाही की भी जांच करेंगे कि आखिर क्यों हुई ऐसी बड़ी घटना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागी लाल न्यूज चैनल।